नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। रक्सा में पति से विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। रक्सा निवासी अंजलि का जयराम धानक से बृहस्पतिवार शाम को ड्यूटी पर जाने को लेकर विवाद हो गया था। पति जयराम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। बृहस्पतिवार को वह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अंजलि उसे जाने से मना कर रही थी। इसी बात पर दोनों में काफी विवाद हुआ, लेकिन जयराम ड्यूटी चला गया। इससे नाराज होकर अंजलि ने फांसी लगा ली। अंजलि को फांसी पर लटका देख उसके बेटे शिवम ने परिजनों को सूचना दी। अंजलि को फंदे से उतार कर परिजन देर रात मेडिकल कॉलेज पहुँचे। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी अंजलि के परिजनों को हुई तो पिता सेवकराम अस्पताल पहुंच गए। मायके वालों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। हंगामे की इस सूचना पर नवाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने अंजलि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर बबीना ब्रजेश सिंह का कहना है कि मायके पक्ष की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। झांसी से ऋषभ यादव की रिपोर्ट।